सर फोड़ दिया इसका, जरा आया है फिर सो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं रेडी वेडी हो गया हूँ नाश्ता पानी करके, और अभी बज रहे हैं 10:15। तो अभी जाना है हमको अंधेरी, अंधेरी एक ऑफिस में मिलने के लिए जाना है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। तो गाइज आज ट्रेन से जा रहा हूँ अंधेरी, और अपनी गाड़ी यहीं स्टेशन पे ही पार्क कर दिया है यहाँ, क्योंकि अकेले जाना है तो स्कूटी से काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, इसलिए जब भी अकेले जाना होता है तो ट्रेन से ही सोचता हूँ निकल जाऊँ। गाइज अभी हम पहुंच गए अंधेरी स्टेशन, और यहां से जाने वाले हैं वीरा देसाई रोड, तो यहां से नीचे जाएंगे फिर वहां से बस पकड़ेंगे। तो गाइज मैं बस में बैठ गया हूं, 254 नाम की बस है नंबर की, जो कि वीरा देसाई जाएगी। भाई आज लोकल में काफ़ी ज़्यादा रश थी, और काफ़ी दिनों के बाद इस टाइम पे मतलब सुबह 10 बजे के टाइम में चढ़ा हूँ लोकल में, नहीं तो फिर गाड़ी से ही आना जाना होता था। बहुत रश थी, हालत ख़राब हो गई आज तो। गाइज अभी हम पहुंच गए हैं वीरा देसाई रोड में, और हमें जाना है क्रिस्टल पैराडाइज नाम के ऑफिस में, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो गाइज अभी मैं आया था गोल्ड माउंटेन करके एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे आया था, और मेरी मीटिंग हो गई है। अभी यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है, मेरा एक छोटा सा काम था वो करना था, तो इसलिए मैं आया था। और इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शायद मार्च अप्रैल में शुरू होंगे, तो इन्होंने बोला है कि उस टाइम में आके विज़िट करने के लिए। तो एक क्रिस्टल पैराडाइज 715-16 में ऑफिस है इनका, तो आप चाहें तो यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में ही इनका कुछ होगा, आगे प्रोजेक्ट फ्लोर पर जाएगा या उसके लिए कास्टिंग शुरू होगी, तो उस समय में आप आके यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो गाइज यहीं पे सोबो फिल्म्स भी है, जो जिनका अंबेडकर करके शो आता है, लेकिन उसकी कास्टिंग जो है वो सेट से ही होती है, सेट पे चलती है, मालवनी में उनका सेट है तो वहीं से कास्टिंग उनकी होती है, और रियाज करके कास्टिंग डायरेक्टर है जो कि वहाँ पे कास्टिंग करते हैं। तो कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं इस बिल्डिंग में, लेकिन अभी कहीं कुछ चल नहीं रहा है। गाइज इस एरिया में कई सारे प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, आके देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैंने घूम लिया है, और अब मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ बस की, बस आएगी तो फिर मैं यहाँ से अंधेरी स्टेशन जाऊँगा और फिर वहाँ से घर निकलूँगा। गाइज मैं आ गया हूँ अभी अंधेरी स्टेशन पे, और यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाऊँगा अपने घर। Yes. जल्दी आ गए हैं। जल्दी खाना पीना खा रहा है, कोई पूछा भी नहीं हमको खाने के लिए। मेरे पैर रखते भाई इस पे।
आ गए। रख दे यार प्लीज भाई। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे और 2 बज गए, भूख लग रही बड़ी जोर की। अच्छा, खा ली तुम? नहीं हम खाए। तो अभी फटाफट से खाना वाना खाएंगे यार। पिकनिक का क्या बोल रहे थे तुम? अच्छा पूजा करने जा रहे हो आप? सांझ बत्ती दिखाने? दिखा दो। ये हमेशा सिद्धांत सांझ बत्ती दिखा देता है, सुबह सुबह पूजा भी कर लेता है। सुबह सबसे पहले नहाता है, सबसे पहले पूजा कर लेता है और शाम को सांझ बत्ती भी दिखा देता है भगवान को, है ना? हाँ भगवान खुश हो जाते हैं उससे। क्या करना चाहिए, बच्चों को अच्छी आदत है ये। देखिए स्पर्श जो है सो रहा है बेचारा, आज नीचे खेलने के लिए गया था, किसी लड़के ने इसको सर पे पत्थर से मार दिया, यहाँ पे सर फूट गया इसका थोड़ा। ये देखिए बेचारा, नीचे खेलने के लिए जाते हैं लोग लेकिन वो सब बच्चे बदमाश सर फोड़ दिया इसका। बेचारा आया है फिर सो गया है। वैसे बेटा मेरा जो है बहुत ही ब्रेव है एकदम, कभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रोता नहीं है, लेकिन आया जब खेल के तो बताया ऐसे ऐसे हुआ है कर, तो उसको थोड़ी दवाई ववाई दी है हम लोगों ने, सर में मालिश कर दी है मम्मा, तो अभी सो रहा है। पता नहीं बच्चों को क्या है ये पत्थर वत्थर फेंकने का गेम खेलते रहते हैं सब, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई गेम ना खेले जिसमें सर फूट जाए, पत्थर से फेंकने वाला ऐसा कोई गेम हम मत खेले, ठीक है? नुकसान हो सकता है ना उसमें। तो गाइस आज रात का खाना आ गया है और खाने में है ये पराठा गोभी का और दही, ऑन द डिमांड ऑफ सिद्धांत सुमन, इसी के डिमांड से बना है आज ये खाने का संयोग प्राप्त हो रहा है। है संचित? नहीं नहीं बहुत बोला है ना बनाने के लिए, तभी बन रहा है ना। चलिए फिर खाया जाए फटाफट से। कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ दही के साथ तो इसको मज़ा ही आ जाता है। हाँ मथुरा उथुरा में पैदा लिया रहा होगा पिछले जन्म में, है ना? कृष्ण कृष्ण के नगरी, कृष्ण के नगरी में, कृष्ण के नगरी में पैदा लिया रहा होगा पिछला जन्म, है ना? दूध दही मक्खन घी यही सब अच्छा लगता, दूध दही मक्खन घी खीर, खाओ खाओ जो खाओ मन से खाओ। उसको क्यों नहीं उठाया? तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।